नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी भाषा के पाठ संख्या 11 बाल गंगाधर तिलक को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस चैप्टर को ZIAEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर जी के नैतिकता के गुणों पर केंद्रित है। यह हमें उनके जीवन मूल्यों के बारे में परिचय करवाता है। नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित कोई भी शब्दावली बोलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट शब्दावली का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इसके पूर्व प्रबंधन की कोई भी विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, पुनः अध्ययन के दौरान छात्रों को शब्दावली बुलवाकर उनका पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। नवाचारी शिक्षक इसे कई तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको इसे उदाहरणों के माध्यम से बताता हूँ। जैसे नवाचारी शिक्षक जिस समय अटेंडेंस लेते हैं, वे बोलते हैं रोल नंबर 1, तो कक्षा का रोल नंबर 1 स्टूडेंट खड़ा होता है और वो चैप्टर में आए शब्दावली के किसी एक शब्द को बोलकर सुनाता है, जैसे प्रतिभा। अभी नवाचारी शिक्षक ने बोला रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होता है और वो शब्द बोलता है कुरीति। इस प्रकार छात्र वन बाय वन कोई भी चैप्टर अपने चैप्टर का कोई भी एक कठिन शब्द बोलते हैं और इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाता है। छात्र के कक्षा के सभी छात्रों का इसमें नंबर आता है। छात्रों को पहले ही निर्देशित कर दिया जाता है कि आप अनुशासन का विशेष ध्यान रखेंगे। इस गतिविधि से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्वयं द्वारा जो भी जानकारी पढ़ी गई है और जो भी उनके निजी उदाहरण हैं, उनको आपस में सामंजस्य बिठाते हुए छात्र अपनी संवेदनाओं को लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। दूसरों द्वारा कही गई बातों को सुनकर आत्मसात करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए शब्दों और उनसे संबंधित संदर्भों को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। कई बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। मुख्य बात इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस चैप्टर को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। इस गतिविधि के दौरान सबसे पहले छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जो कि एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण भी है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखकर इस नवाचार को क्रियान्वित किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। साथ ही बच्चों में जीवन कौशल जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है और निहित मूल्य जैसे कि विनम्रता, अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना, इनका भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIAEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।